नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश समेत आज पूरे भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है। पहले दिन मध्य प्रदेश में 150 सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में टीकाकरण शुरू हो चुका है। हर सेंटर पर आज 100 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीके लगाए जा रहे हैं और इस हिसाब से पहले दिन करीब 15,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग जाएगा। प्रदेश में सफाई कर्मियों को टीका लगाने से इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और डॉक्टर्स को टीका लगाया गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्वालियर में तो डॉक्टर थिरकते नजर आए तो आज सुबह से बेहद उत्साहित थे ये तमाम हेल्थ वर्कर्स जो पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी से जूझते हुए मरीजों का इलाज कर रहे थे और आज बारी खुद उनके इलाज की या यूं कहें कि बचाव की थी और महामारी से इस महायुद्ध में पहला टीका इन्हीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तीनों जेपी हॉस्पिटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया और इसमें उन लोगों को याद किया जिनकी कोरोना महामारी के दौरान जान चली गई थी, जिन्होंने अपने घर परिवार से दूर रहकर इस कोरोना के युद्ध को लड़ा, लोगों के जीवन को बचाया और आज एक बिल्कुल उत्सव की तरह यहां पर ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। और चलिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उस पर ये लिखा कि कुछ नादानों ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री क्यों टीका नहीं लगवा रहे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, वैक्सीनेशन की एक पूरी प्रक्रिया है। अगर इसका पालन सीएम ही ना करें तो अभियान कैसे सफल होगा? हमारे कोरोना वॉरियर्स को पहले टीका लगेगा, मुझे बाद में। कांग्रेस ने हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई मुद्दों को लेकर की थी, लेकिन टीकाकरण के मुद्दे पर भी कांग्रेस नेताओं ने जो है कई सवाल उठाए और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा अभियान है तो उसमें विपक्ष कैसे चुप बैठे। और चूंकि पीएम मोदी हों या सीएम शिवराज हों और एक बड़ा टीकाकरण अभियान अगर यहां पर चल रहा है तो उसमें कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। अब तक हमारे मुख्यमंत्री जी का इसको लेकर एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि मैं पहला वैक्सीनेशन का अपने आप पे ट्रायल नहीं करूंगा या नहीं लगवाऊंगा और उस परिवार के साथी को जो रोज़ इन्हीं लोगों में काम करता है, ज़्यादा जिसको खतरा है, वो सबसे पहले लगाए तो मुझे खुशी होगी। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन करवाए। मैं मानता हूं कि उनके साथ अगर वो मुझे भी निर्देशित करेंगे तो मैं एज ए विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते करवाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि जितने मुख्यमंत्री है वो भी करवाए और आशा करता हूं कि जितने जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद है वो भी करवाए। ये इसलिए नहीं कि कोई उदाहरण पेश करना या किसी भी रूप में अपने आप को बड़ा करना, ये इसलिए कि भरोसा हो, इस पूरी प्रोसेस के प्रति आत्मविश्वास जागे हर आम जन का, मैं मानता हूं ये आज की आवश्यकता है। तो ये कहा कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी ने और उन्होंने कहा कि पहले सारे जनप्रतिनिधियों को ये टीका लगाया जाना चाहिए। और इसके अलावा पीएम मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में क्या कुछ कहा था, ये वो आपको सुनवाते हैं। इतने कम समय में एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं,
वो चलिए तो इस महाअभियान पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। फिरोज जी आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पीएन वर्मा साहब हैं, आप सिविल सर्जन हैं और आप भी आज इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से आप ही से चर्चा करना चाहेंगे। सर, वैक्सीन लगवाने के पहले मन में क्या कुछ चल रहा था और वैक्सीन लगवाने के बाद अब कैसा लग रहा है? वैक्सीन लगवाने के पहले भी ऐसा डर नहीं था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, सिविल सर्जन हूँ और इतने वैक्सीन कितने भी लगते हैं तो वैक्सीन लगवाने से पहले ऐसा भी कोई डर नहीं था। हाँ, वैक्सीन जब लगवाई तो उसका कोई दर्द नहीं था, पेनलेस वैक्सीन लगी थी और उसके आधा घंटे तक मैं ऑब्जर्वेशन रूम में था, जहाँ मेरा ये देखा गया कि कोई तकलीफ तो नहीं होती है, किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं होती है। तो आधा घंटे तक मैं ऑब्जर्वेशन में रहा, उस समय मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। टीका लगने से अभी तक लगभग 3 घंटे हो गए हैं, मुझे अभी भी कोई परेशानी नहीं है और मुझे मालूम है किल्ड वैक्सीन है, कीटाणुओं को मार के फिर इंजेक्ट किया जाता है, तो इस तरह की वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, इसलिए आम जनता को ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बधाई भी आपको इस वैक्सीनेशन के लिए। आप साथ में रहेगा सर, एक दो सवाल हम आपसे और करेंगे। हमारे साथ फिरोज जी हैं। फिरोज जी, एक कमेंट आपका ले लें। टीकाकरण महाअभियान शुरू, लेकिन आज दिल्ली में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए, मध्य प्रदेश में भी ये कहा गया कि जनप्रतिनिधियों को पहले लगवाना चाहिए, इस तरह की बातें, तो क्या कांग्रेस सियासत करे टीकाकरण पर? सियासत नहीं कर रहे हैं हम, तो जनता की बात कर रहे हैं। जनता में भ्रम है, जनता में डर है, सरकार को सरकार उस डर को दूर करे, इसलिए हमने मांग की कि भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर सबसे पहले जैसे कि दूसरे देशों में लगवाए हैं सभी राष्ट्राध्यक्षों ने, ऐसे हमारे यहाँ भी लगवाए जाए, लगाएं और उसका शुभारंभ करें, ताकि जो जनता में डर और भ्रम का माहौल है वो दूर हो जाए। लेकिन हुआ उल्टा, उसका स्वास्थ्य मंत्री खड़े हैं और एम्स के डायरेक्टर को जो है टीका लगवा रहे हैं, शिवराज जी खड़े हैं और यहाँ भोपाल में टीका लगवा रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ को, तो लोगों में इस बात का डर और भ्रम और ज्यादा बढ़ गया कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, दूसरे को क्यों लगवाने का कह रहे हैं। तो ये सवाल है जो विपक्ष का काम है कि उन बातों को, जो जनता के सवाल है उनको उठाए जाए, हमने वही उठाया है। हमने तो कहा कि सवाल आपने उठाए, जवाब राकेश जी देंगे। राकेश जी, क्या जवाब है फिरोज भाई के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए? हालांकि जवाब सीएम शिवराज ने भी दिया है कि कुछ नादान लोग ये सवाल उठा रहे हैं। फिरोज जी, इस पर आपका जरूर कमेंट चाहूंगा, लेकिन पहले राकेश जी आपका जवाब। दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि COVID-19 से जो एक दहशत का माहौल था और कहा जाता था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, मतलब आप मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और इससे बच पाएंगे, अब कहीं ना कहीं हम गर्व से कह पाएंगे कि COVID-19 से लड़ने के लिए हमने टीका बना लिया है और टीका हमको लगना शुरू हो गया। दीपक जी, मैं कल भी आपके चैनल पे था, उस वक्त भी मैंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह प्रदेश का और हम सबका सौभाग्य है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पर कांग्रेस के नेता जब सवाल उठाते तो एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, इनको क्यों शर्म आ रही है टीका लगवाने का, ये लगवा लेते। चलिए, हमारे नेताओं पे ये प्रश्न उठा रहे हैं, पहले ये शुरुआत कर दें कि राहुल गांधी ने टीका लगा लिया, सोनिया गांधी जी ने टीका लगा लिया, प्रियंका वाड्रा जी ने टीका लगा लिया और देश को लूटने वाले रावत वाड्रा ने टीका लगा लिया और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ ने टीका लगा लिया और जीतू पटवारी जी और सज्जन सिंह वर्मा, बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं, इनको भी सबसे पहले टीका लगाना चाहिए। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता शिवराज सिंह चौहान जी की भगवान है, मध्य प्रदेश मंदिर है और शिवराज सिंह चौहान उनके पुजारी है और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं पहले अपने भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, गांव गरीब किसान सबको टीका लग जाए, मेरे को तो कभी भी लग सकता है। आज अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो
दो मिनट में उनको टीका लग जाएगा, कौन मना करेगा? प्रधानमंत्री चाहेंगे तो कौन मना करेगा? पर ये चाहते हैं पहले देश की जनता को ये सुविधा प्राप्त हो। आज तक कांग्रेस ने इस देश का शोषण किया, इस पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो उनकी मानसिकता वो हो गई है, इसलिए वो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे शिवराज जी, वो पच नहीं पाते कांग्रेस पार्टी को, इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कमलनाथ जी लगवाए ना, राहुल गांधी जी लगवाए ना, कौन मना कर रहा है? अगर टीका नहीं मिल रहा, हम उपलब्ध करा देते, इनको लगवा देते। पर ये तो क्या है, इस देश का शोषण करने के लिए पैदा हुए हैं, इस देश में भ्रम फैलाने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं फिरोज जी से जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर साहब से जरा और बात कर ले। डॉक्टर साहब, देखिए सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन आज किस तरह का माहौल था, आपके साथियों में से क्या बातचीत हुई, और वो बुरा दौर आपने भी देखा 8-9 महीने का, और उसके बाद अभी जो वैक्सीनेशन है, क्या लोगों के मन में आज भी कुछ टीका लगवाते समय भ्रम था, क्या आप दूर कर रहे हैं उस चीज को, और अब आप एक एग्जाम्पल हो गए कि भाई देखिए हमने वैक्सीन लगवा, हमें कोई डर नहीं है, और क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए वैक्सीन के बारे में, ये पूर्ण तरह सुरक्षित वैक्सीन है, क्लियर वैक्सीन है, और इसकी सेफ प्रोफाइल भी अच्छी है, 90% तक है, वो इससे डरना नहीं चाहिए। हमने पहले उन लोगों को टीका लगाया है जो लोग ज्यादा इस चीज से प्रभावित होने वाले हैं, या जो लोग जिनको चांसेस कोविड के ज्यादा हैं, जो कि सफाई कर्मी है या सुरक्षा कर्मी है, इनको सबसे ज्यादा खतरा है, तो पहले उन लोगों को टीका लगना चाहिए जो लोग ज्यादा इसके प्रभावित होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वॉरियर आएंगे उनको लगाएंगे, जैसे रेवेन्यू हैं या पुलिस वाले हैं जो कि कांटेक्ट में आते हैं, उनको लगाएंगे। उस थर्ड फेज में हम पूरे जो है 60 से ऊपर है और जिनको को मोबिडिटीज है, दूसरी बीमारियां भी हैं, उनको फिर चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसे ये प्रायोरिटी हम फिक्स की गई है हमारे प्रशासन और सब उसके द्वारा, कि जो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं या जिन लोगों को ज्यादा चांसेस हैं कोविड होने के, जिनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने को है, पहले उनको लगाया जाए, और उसके बाद में जिन जिनको कम है उनको फिर धीरे धीरे दूसरे फेज में लगाई जाएगी। जी, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, इस तरह का भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि इसीलिए हमने डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल्स ने लगवाया है, जो भी इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे वो आपके सामने आएंगे, जनता उसको देखे समझे और फिर लगवाए। सभी को लगवाना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है कि सबको लगवाना ही है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है, लेकिन लगवाना चाहिए। हम डॉक्टर्स हैं, हम लोगों के आज 62-63 साल की ये हम लोगों का अनुभव है, सबको लगवाना चाहिए जी, ऐसा, लेकिन फोर्स किसी को नहीं होगा कि नहीं। आप डॉक्टर साहब एक जानकारी और दीजिए दर्शकों को कि भाई वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह के एहतियात बरतने हैं, किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कई वैक्सीन जो आमतौर पर बच्चों को हम लगवाते, किसी में बुखार आ जाता है, किसी में सूजन है, तो इसके अभी क्या कोई ऐसे साइड इफेक्ट या फिर कोई सिम्टम या क्या एहतियात? जी सर, वैसे अमूमन इससे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है बड़े, थोड़ा बहुत कभी दर्द हो सकता है साइट ऑफ इंजेक्शन जहां लगता है वहां, या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्की हरारत वगैरह हो सकती है। इसके बाद कोई टीका लगवाने के बाद में किसी तरह का कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आप मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंशन मेंटेन करें और सैनिटाइजर यूज करें, क्योंकि इसकी दो डोज के बाद ही 28 दिन के बाद ही आप जो है आपको वैक्सीनेशन का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको टीका लग गया आज और आज ये आप मास्क ढिलाई दवाई आ गई तो हमने ढिलाई बरतनी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दूसरी डोज भी लगे और उसके बाद में भी आपको एहतियात तो बरते ही, ये बेहतर है। चलिए सर, आपने वक्त निकाला, आपका वक्त आज बहुत कीमती है, चूंकि आज इतना बड़ा महाअभियान चल रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सर, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। अब बात सियासत की है तो फिरोज जी, सुना आपने राकेश जी ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि भाई कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहल करते हैं कि आइए आप टीका लगवाने की बात कहते, जिन राज्यों में आपकी गवर्नमेंट है वहां के मुख्यमंत्री टीका लगवा सकते थे पहला। ठीक है फिरोज जी, क्या जवाब देंगे? रहना भाई कि अगर ये वैक्सीन पूरी तरह आप मानते हैं कि ठीक है, अच्छी है, लोगों में भ्रांति नहीं है, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि आप शुरुआत करिए ना इसको, और हमको कोई तकलीफ नहीं है आप करें। तो जहां तक कांग्रेस लूटने वाली है तो इनको बता दीजिए कि ये नेहरू जी की देन है ICMR, और ये सारे संस्थान, ये सारे वैज्ञानिक, और ये उस समय की कांग्रेस की लीडरशिप की सोच थी कि आज भारत की ये स्थिति है कि भारत खुद से अपने आप निर्भर का जो नारा दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री, तो आत्मनिर्भर ये देश बहुत पहले ही हो गया, और आज हमने वैक्सीन बना लिया अपना,
हमने तो कुछ नहीं कहा वैक्सीन के बारे में, और ये कहा है कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन है ये इमरजेंसी वॉलेंट्री यूज के लिए है। तो अब इमरजेंसी वॉलेंट्री यूज के लिए हम खुद पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी क्या चीज है, ये भी समझ में आए लोगों को? तो हम तो आम जनता की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जबरन उन बातें कर रही कि कांग्रेस ऐसा फैला रही वैसा फैला रही, लोग आगे आ ही नहीं रहे उसको वैक्सीन को लगवाने। तो लोगों को आगे आए, प्रेरित हो लोग, हम तो चाहते हैं कि आप आए। हम तो और ये तो आज पहली बार वैक्सीन आया है कोविड का, पल्स पोलियो से लेके चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, तमाम बीमारियां जो थी, हेपेटाइटिस बी, सबकी बीमारियों के जो वैक्सीन है वो तो कांग्रेस के जमाने में आए और बाकायदा स्कूलों में लगे हैं लोगों में। तो इसकी भी वही की वही स्थिति रहे और लोग लगवाएं। हम तो यही बात हमने कहा है, तो अगर ऐसा है तो एक वैक्सीन आप लगवा लीजिए, मुख्यमंत्री लगवा लें बेहतर होगा, अच्छी बात है। अब ये और भ्रम फैलवा दिया कि गृह मंत्री गए थे वैक्सीन लगवाने तो उन्होंने वापस कर दिया कि नहीं साहब आपकी जेड प्लस सिक्योरिटी है इसलिए आपको नहीं लगाया जा सकता, तो इससे और भ्रम फैल गया। हम तो आप ही के नेता फैला रहे हैं, हम राकेश जी क्या जवाब देंगे? राकेश जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने में शर्म नहीं आता। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जब वैक्सीन का ट्रायल के लिए गए थे तो उनके परिवार में उनका बेटा कोरोना से पीड़ित था, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि आपके परिवार में कोरोना पीड़ित व्यक्ति है इसलिए आपको ये वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा है ये आप पे नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि जेड प्लस की सुरक्षा है, ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में भ्रम फैलाने का कांग्रेस काम करती है। देखिए अभी आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, पूरे नेशनल चैनलों पे ये खबर चली थी कि नरोत्तम मिश्रा जी गए और क्यों नहीं नरोत्तम मिश्रा जी को वैक्सीन लगी, ये पूरे चैनलों पे चली, हर अखबार में चली जी जी। और ना ये टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते, ये तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वही सही, ना खाता ना भाई। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश कोविड 19 की चपेट में आ रहा था, चरम पे था कोविड 19, उस समय कमलनाथ मध्य प्रदेश छोड़ के 94 दिन के लिए गायब हो गए थे मध्य प्रदेश से, ये सुरक्षित बंकरों में जाके छुप जाते हैं। दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ जाता है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी गोवा पहुंच जाते हैं सुरक्षित चेंबर में, जनता जाए भाड़ में। हमें क्या पड़ी, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी इस देश में कर रही है और अभी भी वही कर रही है। मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर ने ये वैक्सीन लगा लिया, डॉक्टर वो जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं वो भगवान आगे आके वैक्सीन लगवा रहा है और ये तुच्छ राजनीति कर रहे हैं अभी भी। आज सबसे पहले अगर शिवराज सिंह चौहान जी वैक्सीन लगवा लेते दीपेश जी तो ये कहते देखिए जनता को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही, लगवा ली, ये पॉइंट ले लेते हैं। शर्म आना चाहिए फिरोज जी, अगर मान लीजिए वाकई शिवराज जी ने कहा भी गया और शिवराज जी ने एक कमेंट और करा है, अब पता नहीं किन पर करा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ नादान लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई शिवराज जी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया, मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाया, और जो राकेश जी कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए अगर आज वो लगवा लेते आपके, देखिए साहब खुद की जान की पड़ी है, या किसी गरीब को पहला टीका लग जाता, ये हो जाता वो, तो मतलब क्या सियासत फिर कहीं नहीं छोड़नी है कि लग गया तो भी, नहीं लगा तो भी मुसीबत पैदा करनी? जी फिरोज जी, वो तो अपनी बात मुंह में डाल रहे हैं हमारे, हम काहे को नादान है, हम क्यों नादान है? आपके खुद के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं तो सबसे आखिरी में टीका लगवाऊंगा, हम कह रहे हैं भाई पहले लगवा लो ना आप, अच्छी बात है आखिरी में लगवाओगे तो पहले लगवा लो आप। तो जब आप खुद ही बड़े बड़े बयान दे रहे हो कि हम सबसे आखिरी में लगवा, जनता में क्या मैसेज जाएगा? खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और दूसरे आदमी ना, अगर पहले लगवा लेते तो क्या कांग्रेस ये नहीं कहती का कि भाई देखिए आम जनता की तो चिंता नहीं है, पहले खुद वैक्सीनेशन लगवाने पहुंच गए भैया? अरे दीपेश भाई आप क्यों बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं? बीजेपी की तरफ से नहीं, हम तो कह रहे हैं बात सुनिए ना, हम तो जो सवाल कर रहे हैं वो सुनिए। खुद क्यों स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ऐसा, और ये कौन कहता है कि ना उनके बेटे को जो है जब सबसे ज्यादा जिसको कोरोना का डर है वो टीका लगवाए पहले, तो नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे को हुआ तो उनको भी सबसे ज्यादा डर है कोरोना का, लगवा ले टीका। हमने तो खुद ही पढ़ा था कि जेड प्लस सिक्योरिटी इसलिए नहीं लगाया जा रहा उनको टीका। चलिए नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने टीका, डॉक्टर भी अभी लाइन पर थे फिरोज भाई, आपने नहीं सुना वो कह रहे भाई सुरक्षित है टीका, कोई दिक्कत नहीं। हम कब कह रहे हैं भैया असुरक्षित है टीका? हम थोड़ी कह रहे हैं असुरक्षित है, हम तो ये कह रहे हैं कि जनता का माहौल है इसलिए आप लोग लगवा लीजिए, खुद आपकी। अरे तो कांग्रेस भ्रम दूर करे ना थोड़ा, कांग्रेस की भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं है विपक्ष के नाते? हम नहीं तो हम पहले सरकार जो है सरकार में जो बैठे हैं जो टीका लेके आए वो तो शुरुआत करें, हम तो तैयार हैं। हमारे तो जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं खुद भी लगवाने को तैयार हूँ, आप भी आइए और हम भी आते हैं, सब लोग मिलके सामने लगवाते हैं टीका ताकि जनता में अच्छा मैसेज जाए। तो हम तो कह तो रहे हैं लगवा रहे हैं हम तो टीका।
आप तो फ्रंट लाइन वर्कर थोड़े ना, दरवाजे से भाग रहे हो ना, आप तो पीछे के दरवाजे से भाग रहे हो, हम तो कह रहे हैं ना मैं खुद भी आऊंगा टीका लगवाने के लिए होगा। मैं राकेश जी से जवाब लूंगा इस पर। रवि अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर क्या माहौल मध्य प्रदेश में टीके को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या आज पूरा आकलन रहा आपका इस टीकाकरण, जो बड़ा टास्क था, बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कैसा चल रहा है सर? देखिए दीपेश जी, बिल्कुल खासा उत्साह है लोगों में, और खास करके जिन लोगों का पंजीयन हुआ, चूंकि प्रोटोकॉल तय हुआ है कि पहले किसको लगना है, दूसरे चरण में किसको लगना है, तीसरे में किसको लगना है, तो उसी के हिसाब से जिन लोगों का पंजीयन किया गया उन्हीं को कॉल किया गया। आज जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर उन्हीं लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका टीकाकरण किया जा रहा है, और अभी प्रक्रिया चल रही है। शाम जो है पहले दिन में तय हुआ है कि 100 लोगों को एक दिन में लगाया जाएगा, उसके बाद अगले दिन लगाया गया। ऐसे 4 दिन जो है सप्ताह में टीके लगने हैं, और करीब 15,000 पहले सप्ताह में करीब 15,214 लोगों को टीकाकरण होना है। तो प्रक्रिया जारी है और सभी जगह से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है। लोग जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो लगवा रहे हैं, और देखिए डॉक्टर्स ने भी आगे बढ़ के जो है, जो कई निजी अस्पतालों के HOD और कई अपने मेडिकल कॉलेज भोपाल के जो डीन है उन्होंने भी आगे बढ़ के अपना टीका लगवाया है। तो निश्चित तौर पर एक संदेश, अच्छा संदेश देने के लिए आ गया। देखिए जहां तक ये जो राजनीति हो रही है टीकाकरण के पहले और बाद को लेकर, तो मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कहा कि भाई केंद्र सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किया है उसका हम फॉलो कर रहे हैं। वो प्रोटोकॉल केंद्र से तय हुआ है और सभी राज्यों के लिए तय हुआ है। ये नहीं है कि कहीं बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है तो नेताओं को कहा जाए कि पहले आप लगवाइए। जो प्रोटोकॉल तय हुआ है उसके हिसाब से ही सभी जगह इसका पालन हो रहा है। और दीपेंद्र जी, अच्छी बात यह है कि देखिये मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जहाँ पे मतलब 15,000 टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि 10 राज्यों में सबसे आगे महाराष्ट्र है। निश्चित तौर पर मैं जो व्यवस्थाएं की गई है वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी हर जिले में जो है, जो 150 सेंटर बनाए गए प्रदेश भर में, उन पर ये काम चल रहा है। चलिए साथ में सर राकेश जी, तो देखिए फिरोज जी ये कह रहे कि भाई हम भी आते, अगर बीजेपी के लोग आगे रहते तो हम भी टीकाकरण में शामिल होते। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस पे और वो कह रही कि भाई भ्रम, और जो हमने कल भी कहा था कि भाई आपने धर्म गुरुओं से अपील की, बाकी लोगों से अपील की, हमें लगता है कांग्रेस के नेताओं से भी अपील करनी चाहिए थी कि वो भी लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो विद्वान आपके बीच पत्रकार बंधु जो बैठे हैं उनने जो बात को रखा, आपने CMHO साहब को बुलाया, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति को जो आज सबसे ज्यादा व्यस्त है CMHO, उसको बुला के आपने अपने चैनल पर बात रखवाई। जनता में कहीं भ्रम नहीं है, जिन लोगों को प्रोटोकॉल के तहत बुलाया गया उनने सबने टीके लगवाए, और जो प्रोटोकॉल देश ने तय किया है। पर मुझे समस्या ये आ रही है कि जब जब देश में कोई अच्छा काम होता है कांग्रेस रुदाली का रोल अदा करने लगती है। जैसे रुदाली होती है ना कि जिसका काम ही है 24 घंटे रोना, तो कांग्रेस के नेताओं का काम है 24 घंटे रोना। दिल्ली में राहुल गांधी रोना शुरू करता है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ तक आ जाती है बात, और यहाँ पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रोना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पूछते कि राहुल गांधी क्यों रो रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि देश में जब एयर स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान पे हमला होता है, तो ये हिसाब मांगने लगते हैं कि हिसाब दीजिए। अब पाकिस्तान का राजनायक कह रहा है कि 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, अब ये जाके उस राजनायक से पूछे कि उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे दी गई है क्या पाकिस्तानी राजनायक को? मुझे शर्म आती है, बार बार मैं कहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को शर्म आती है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब जब दिक्कत होती है तो ये तो बंकर में जाके छुप जाते हैं, ये जनता के बीच रहते नहीं है, तो इनको कोरोना का डर नहीं है? आज तो कह रहे हैं ना राकेश जी की चलिए हम तैयार है टीका लगवाने के लिए, हमें भी वैक्सीन लगवाइए। मेरा एक नहीं, मैंने प्रोटोकॉल के तहत इनका भी नंबर आएगा और ये लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे ये इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पर मेरा एक यक्ष प्रश्न जो कांग्रेस के नेताओं से है कि ये देश से ऊपर हो गए क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी का विरोध करना है तो ये देश से ऊपर हो गए? अपनी गाइडलाइन अलग तय करेंगे क्या? देश में जो तय होगा नियम कायदे जो तय होंगे उस पर ही चलेंगे ना। और मैं तो एक और कहना चाहता हूँ, जब COVID-19 का काल चल रहा था, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश हो अध्यक्ष हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे डॉक्टर हो, वो जमीन पे खड़े होकर लोगों के बीच अपनी जान को खतरे में डाल के खड़े थे। एक भी कांग्रेस के नेता का एक फोटो बता दीजिए या 5 मिनट का समय बता दीजिए, कमलनाथ कहाँ गए, किन गरीबों के बीच में गए?
किन पुलिस वालों के बीच में गए, किन डॉक्टर के बीच में गए, कौन से अस्पताल में गए, एक आध तो बता दीजिए। लास्ट कमेंट फिरोजी आपका कि भाई क्या सियासत इस मौके पर भी ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कि एमपी के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है या राजस्थान के लिए अलग है, जहां पर आपकी सरकार है कि राजस्थान को छूट दे दी कि जिसको लगाना लगाओ, ये प्रोटोकॉल है जो केंद्र से तय हुआ है। फिरोज जी, तो हमें नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का ये सवाल उठाना जायज है कि भाई सीएम ने क्यों नहीं लगवाया, पीएम ने क्यों नहीं लगवाया, फलाने, ये क्या ये ठीक बात है फिरोज जी? ऐसा प्रोटोकॉल क्यों तय किया गया? क्या नरेंद्र मोदी देश है पूरा, राष्ट्र है क्या नरेंद्र मोदी? कैसे, किसने, कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र है? जनता, आम जनता राष्ट्र है इसकी। और इसका कोरोना के लिए अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो पूरे देश पे सवाल कैसे हो गया ये, ठीक है? और अगर ये आज वैक्सीन बनी है तो हमारे वैज्ञानिकों को बधाई, नेहरू जी को बधाई, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि एक उनकी दूरदर्शी सोच थी कि इस पर रिसर्च होती रहनी चाहिए देश में, और आज वो स्किल के वैज्ञानिक इस देश में पैदा है, वो क्या नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं क्या? तो भारतीय जनता पार्टी बिना बात के ढिंढोरा क्यों पीट रही है? अरे भाई, हम अगर एक दीपक मरावी की मौत हुई, लोगों में डर फैल गया, उसको लेके डर फैल गया तो उस डर को दूर करिए, हम यही तो कह रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं इस बात को लेके? हमने कब कहा कि वैक्सीन असुरक्षित है? हमने कब कहा कि वैक्सीन गड़बड़ है? आप खुद ही कह रहे हो कि इमरजेंसी वॉलंटरी यूज के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, फिर आपका स्वास्थ्य मंत्री आ जाता है कहता मैं सबसे आखिरी में लगवाऊंगा वैक्सीन, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप मीडिया में? आप कहिए ना कि हाँ ठीक है, हम शुरुआत करते हैं इस बात की, प्रोटोकॉल ये है, प्रोटोकॉल वो है, ठीक है? और जहां तक इसकी बात है कि कोई सब नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, सब खड़े थे, मजदूर बेचारे पैदल सड़कों पे मर रहे थे, तो ये आप मीडिया वालों को कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये तो गिद्धे हैं साहब, पैसा बनाने वाले लोग हैं, ये तो झूठी खबरें चलाते हैं, तो लिखा हुआ है एफिडेविट में, पूछ लो आप इनसे, हम थोड़ी गलत कह रहे हैं, सबने मेहनत की, पूरे लोगों को लॉकडाउन में लगा के इन्होंने हालत खराब कर दी लोगों की, मजदूरों की, लोगों को पैदल चलवाए, ऐसी लोगों को लाइन में लगवा, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जी, शुक्रिया राकेश जी आपका, रवि जी आपका शुक्रिया, कम बातचीत हो पाए आपसे। खैर, कुल मिलाकर के देखिए सियासत और टीकाकरण अब साथ साथ चलना ही है, और हालांकि जो एक बड़ा वर्ग है वो यही कामना कर रहा है कि टीकाकरण अभियान सफल हो, क्योंकि बहुत उम्मीदों के बाद ये टीका आया है और कोरोना से निपटने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र अब यही वैक्सीन है, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी को कोई ना साइड इफ़ेक्ट हो, ना कोई परेशानी हो, और ये टीका पूरी तरह से अपना काम करे, असर दिखाए, तभी हमारी जीत होगी। और सियासत तो देखिए ये है कि ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है और पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, तो ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, डॉक्टरों पर पूरा भरोसा कीजिए, एक्सपर्ट्स पर पूरा भरोसा कीजिए, जो ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों वैक्सीन है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए बिना किसी हिचक और झिझक के इस वैक्सीन को लगवाइए, खुद सुरक्षित होइए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। खैर, आज बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़, नमस्कार।